जी बिल्कुल। कल जो घटना हुई थी हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगा मेडी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी भी थी सरकार से, कांग्रेस की सरकार हमारी थी, और उस समय उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। और उसके बाद जो जिस तरह से उनके साथ जो हुआ, परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। और इस तरह की घटना जयपुर में होना, राजस्थान में होना, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी एक आम बात हो चुकी है, गैंग वॉर्स होना राजस्थान में, जो कभी किसी ने सुना भी नहीं था। अब इन 5 सालों में कांग्रेस रूल में इस तरह की घटनाएं आम बात हो चुकी है, और लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली फेल। जिस तरह से जिस व्यक्ति ने सिक्योरिटी मांगी आपसे, उनको लगातार थ्रेट्स मिली थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी इस बात को कहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी उनको नहीं प्रोवाइड की। इस तरह की ये रवैया जो कांग्रेस सरकार का रहा है, मैं ये इतना ज़्यादा निंदनीय है। उनको तो मुझे लगता है कि अब इस ये हो चुका, अब राजस्थान में ये हुआ, कल ये घटना हो गई, इसके बाद वो क्या कहेंगे, किस मुंह से वो लोग ऑपोजिशन में भी रह सकते हैं। कई घटनाएं मैडम बीच में हुई, जिस जी तरह सोशल मीडिया पर हत्या करने के बाद जिम्मेदारी लेते हैं, नेशनल स्तर पर दूसरे राज्यों की पुलिस कहती है कि खतरा है, फिर काम नहीं होता, और इंटरनेशनली कहते हैं कि हम दूसरे देश में बैठकर और फिर हम संचालन कर रहे हैं, कुछ नहीं, बड़ा बहुत बड़ा ये पूरा एक प्लान्ड ऑपरेशन होता है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसकी जांच भी कराए, और जो जिसने भी आपको कंप्लेन की है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कल मैंने डीजीपी से भी बात की, राजस्थान पुलिस, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग कमिश्नर से भी बात की कि हम लोग जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ेंगे। मैं तो ये अभी शायद कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में इसको लेना चाहिए इस केस को, और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आप कड़ी कार्रवाई के बाद कड़ी सजा नहीं देंगे, तब तक इस तरह के हथियारे सरेआम घूमेंगे और इस तरह की वारदातें लगातार होंगी राजस्थान में, क्या पूरे हमारे देश में। आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में इस तरह की घटना कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हमारे राजस्थान में तो आम बात हो चुकी है, आम बात हो चुकी है इन 5 सालों में। क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पुख्ता होती नहीं, उसके बाद सजा तो होना बहुत दूर की बात है। मैम प्रदेश लोग भर में सड़क बहुत पर सारे हैं, लोग कुछ नाराज अपील हैं करना मैडम, चाहते उनसे हैं, अपील कर लोगों रहे को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप शांति बनाए रखें। बिल्कुल प्रशासन अपनी कार्रवाई मुझे लगता है कि कर रहा है, और हम लोग फिर सब लोग हैं ही, हम सब मिलकर उन पे दबाव भी डालेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उसके बाद फास्ट ट्रैक में इस केस को ले जाया जाए, और फिर तुरंत इन लोगों को जैसे ही जल्द से जल्द विद इन 1 और 2 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसका हो जाना चाहिए जो भी होना है, और फिर इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिन दहाड़े आप घर के अंदर घुसकर किसी की हत्या करते हो, इससे ज्यादा बड़ा आपको सबूत की क्या आवश्यकता है भाई, सामने दिख रहा है सब कुछ, सब कुछ है, सब कुछ है। ये प्लान, क्योंकि भाजपा का कहना है कि गहलोत सरकार ने सिक्योरिटी हटा दी, कहीं ये प्लान था, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, ऐसा है कि जब उन्होंने तो सिक्योरिटी मांगी थी, उनके उनको थ्रेट्स भी मिले थे, उसके बाद सिक्योरिटी उनको रखनी चाहिए थी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना, प्रशासन और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, और गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तो ये सिक्योरिटी उनको पूरी तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए थी घर के अंदर। चाहे वो कहते हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने अलाउ कर दिया, लेकिन विदाउट चेकिंग अलाउ कैसे कर दिया आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम जयपुर आप जाएंगे, लोग जो लोग डिमांड्स कर रहे हैं या बैठे हैं, आप मिलेंगे परिवार से? उनसे बिल्कुल मिलने बिल्कुल, मैं उनके परिवार से मिलूंगी, और सबसे और हमारी बिल्कुल सरकार आ ही रही है, सब जानते हैं, उसके बाद इनको न्याय भी मिलेगा, और जो भी कुछ परिवार के लिए कर सकते हैं बिल्कुल करेगी हमारी सरकार, पहले भी किया है अभी भी करेगी। लेकिन जो ये हुआ है बहुत ही इस तरह का, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, पूरा राजस्थान एक सदमे में है कि हमारे इतने बड़ा, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था, हर सबकी चिंता भी करते थे, उनका व्यक्तित्व जो उनका, जिस तरह से उन्होंने इतने सालों से काम किया, और एक ऐसे व्यक्ति को दिन दहाड़े आके कोई भी हत्या कर देता है, तो मतलब क्या कह सकती हूँ मैं, आम आदमी तो बिल्कुल भी सुरक्षित है ही नहीं राजस्थान में, और था ही नहीं इन 5 सालों में, ना महिला थी ना कोई और था।
यानी मैम सरकार की पहली प्राथमिकता अपराध को कंट्रोल करना ही होगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ा है, कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिस्टम हुआ है राजस्थान में इन 5 सालों में, और इसी ये एक बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा एक मुद्दा भी रहा है पूरे चुनाव में भी, और इस वजह से भी इनको आउट किया है जनता ने, राजस्थान की जनता ने। आज भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, उनको पूरा देश याद कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी मैं अपने उनको भी मैं बहुत, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, संविधान हमको दिया, मैं उनको भी नमन करती हूँ, और बिल्कुल उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग सब चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। उनसे इतनी प्रेरणा मिली है सभी को, हम सबको मिलती है, और बिल्कुल सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैम एक क्वेश्चन, अशोक गहलोत के ओएसडी का कहना है कि सचिन पायलट के फोन का फोन टैप किया गया और राजस्थान सरकार द्वारा, और उनको फॉलो भी किया गया जब वो 18 MLA लेकर पिछली बार जो हुआ, तो कैसे देखते हैं? नहीं, ये सरकार एक पता नहीं कौन सी सरकार हमारे राजस्थान में थी, ना लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में था, लोगों पे इस तरह की नज़र रखना, निगरानी रखना, स्पाई करना, ये क्या हो रहा है? ऐसी चीज़ हुई है अगर तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए पूरी तरह से कि ये क्या किस्सा है, और अगर ऐसा किया है तो ये बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है, आपने बिल्कुल इलीगल एक्टिविटीज़ में हस्तक्षेप रखा है, बहुत गलत है ये बात।